मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कल देर रात अपने प्रत्याशियों के नामों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने 229 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने निवाड़ी से अमित राय को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अमित राय का विरोध शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले अमित राय भाजपा में उपाध्यक्ष के पद पर थे और उनके कांग्रेस में जाते ही उनका टिकट फाइनल हो गया। इसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनका विरोध कर रहे हैं। जब पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है, पार्टी में अनेक लोग टिकट के दावेदार थे, उनमें से किसी को भी टिकट दे देते, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अमित राय भारतीय जनता पार्टी के आज भी सदस्य हैं और उनको टिकट किस बेस पर दिया गया है, ये हम लोगों की समझ से परे है। हम पार्टी नेतृत्व के इस निर्णय की घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। कि जब कोई अपने परिवार में रहता है और परिवार के अलग से कोई जाता है तो स्वाभाविक विरोध तो होता है, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया है, निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय लेके किया होगा। तो ऐसा कब से नियम हो गया कांग्रेस में कि बिना सदस्यता लिए ही? भाई ये तो वरिष्ठ नेता जाने, उसका निर्णय वरिष्ठ नेता जल ले। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता होने ने जिले के, हम अपने कार्यकर्ताओं संगठन के मुखिया होने के नाते उन लोगों ने हमसे पूरी बात रखी, उनकी बात को हम अपने प्रदेश मुखिया। जिला में क्या जो कांग्रेस प्रत्याशी है उसकी सदस्यता हुई है क्या? देखिए अभी तक जिले में जो भी आए हैं सारी सदस्यता हमारे वहाँ से जो भी आ रहे हैं वहाँ से सारे, उसके बाद हमारे पास लिस्ट आती है। अभी लिस्ट आई नहीं, आ जाएगी तो हम बता देंगे। अमित राय को कांग्रेस से टिकट मिलते ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। अब कांग्रेसी उन्हें पैराशूट प्रत्याशी बता रहे हैं और उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम इतने समय से पार्टी के लिए मेहनत करते रहे थे, लेकिन वो चार दिन पहले पार्टी में आए और पार्टी ने उनका टिकट फाइनल कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने सामूहिक रूप से एक बैठक पर प्रत्याशी को बदले जाने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की चेतावनी दे डाली। कार्यकर्ता जो बूथ पर लड़ाई लड़ता है, और आज कांग्रेस अगर मजबूत हुई है तो संगठन और कार्यकर्ताओं की बदौलत मजबूत है। दतिया में और ऐसे दो अन्य उदाहरण हैं जो टिकट बदले गए हैं कार्यकर्ता और संगठन की मांग पे, तो हम पूरी आशा जताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझेंगे और यहाँ के कार्यकर्ताओं की पीड़ा और दर्द को समझेंगे जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ खड़ा किया है, मजबूती दी है और खुद पर मुकदमे झेले हैं। वो आज तक लड़ते आए, खुद की जमीन और घर बिकवाकर वो जिले बदल कर दिए जा रहे हैं और आज उनके घर में रहने का ठिकाना नहीं है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं की बात को सुनेंगे और इस निर्णय को बदला जाएगा। नाराज कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी से पार्टी के आला नेताओं को अवगत करा दिया है, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर पार्टी ने निवाड़ी से घोषित उम्मीदवार अमित राय को नहीं बदला तो वो सभी कांग्रेस पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी होने से पहले तक बेफिक्र थी और पूरा ध्यान चुनाव नतीजे की रणनीति पर लगा रही थी, लेकिन जैसे ही लिस्ट जारी हुई पार्टी में बगावत खुलकर सामने आने लग गई है। लेकिन इसे लेकर पार्टी के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि पार्टी में उठी बगावत की चिंगारी को कैसे ठंडा किया जाए।